बात उन दिनों की है जब पंडित मनमोहन मालविया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए देश भर में घूम घूम कर धन संग्रह कर रहे थे। एक बार उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि कोलकाता के पास एक गांव में एक सज्जन रहते हैं। वे इस पवित्र कार्य में अवश्य ही आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। बस मालवे जी वहां पहुंच गए। पूछते पूछते वे उस हवेली तक पहुंच गए। दरवाजे पर दरबान ने पूछा, किससे मिलना है? मालवे जी ने नाम बता दिया। दरबान अंदर गया, फिर तुरंत वापस आकर मालवे जी को बैठक में ले जाकर बैठा दिया। काफी समय हो गया लेकिन किसी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया और ना कोई बाहर बैठक में ही आया। अंधेरा होने लगा, तभी एक नौकर बाहर आया। उसने माचिस की एक तीली निकालकर लालटेन जला दी। एक लालटेन अंदर के लिए भी जलाई, उसके लिए दूसरी तीली निकाली और लालटेन जलाकर अंदर ले गया। मालवे जी चुपचाप बैठे रहे। तभी उन्होंने एक रौबीली आवाज सुनी। शायद यह आवाज सेठ जी की थी। सेठ जी ने अंदर से ही नौकर को दो अलग अलग तीलियों से दोनों लालटेने जलाते देख लिया था। वे नौकर को डांट रहे थे, तुमने माचिस की एक तीली से दोनों लालटेने क्यों नहीं जलाई? तुम्हें बार बार कहा जाता है कि इस तरह चीजों की बर्बादी नहीं की जाती, पर तुम सुनते समझते ही नहीं, रोज रोज फिजूल खर्ची किया करते हो। नौकर को इस तरह डांट खाते देखकर मालवे जी को लगा कि कैसा कंजूस सेठ है। एक तीली अधिक जलाने पर नौकर को कैसी फटकार लगा रहा है? तो भला इससे क्या दान मिलने की आशा की जा सकती है? व्यर्थ ही मित्र ने मुझे इनके पास भेजा। मालवे जी मन ही मन बहुत निराश हो गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी बाहर बैठक में आए और बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत आवश्यक काम में व्यस्त था, आपको बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। उन्होंने नौकर को आवाज देकर मालवे जी के लिए जलपान लाने को कहा। फिर मालवे जी से पूछा, यहाँ पहुँचने में आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? मालवे जी ने सहज मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल नहीं। सेठ जी बोले, मेरे मित्र ने आपके और आपके कार्य के विषय में मुझे सूचना भिजवा दी थी। ये कहकर सेठ जी ने मुनीम को बुलाकर चेकबुक लाने को कहा। चेकबुक आने पर सेठ जी ने 7 लाख रुपयों का चेक लिखकर मालवे जी के हाथों में दिया। मालवे जी आश्चर्य से उस चेक को देख रहे थे। मन ही मन उन्होंने कहा, यह तो कमाल हो गया। मालवे जी को खामोश देखकर सेठ जी बोले, कहिए पंडित जी, रकम कम है क्या? लेकिन फिलहाल मैं इतनी ही रकम दे पाऊंगा, दूसरी बार फिर सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। मालवे जी को विचारों में खोया देखकर उन्होंने फिर कहा, क्या सोचने लगे पंडित जी, बात क्या है? मालवे जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि दो लालटेनों को दो अलग अलग तीलियों से जलाने के लिए जो व्यक्ति नौकर को इतना डांट सकता है, वह इतना बड़ा उदार दानी भी हो सकता है। मैंने तो सोचा था कि शायद यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। सेठ जी ने मुस्कुरा कर कहा, आपका सोचना काफी हद तक ठीक ही है। आप एक पवित्र उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं नौकर को इस तरह छोटी छोटी फिजूल खर्ची के लिए नहीं रोकता, तो आज इतनी बड़ी रकम कैसे दान कर सकता था।